अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग अल्लाह के फजल करम से खुश होंगे, हेल्दी होंगे आप लोगों के साथ। तो आज मैं एक लेकर आई हूँ एक और नया सा मज़ेदार सा ब्लॉग आप लोगों को। इस ब्लॉग में बहुत ही मज़ा आने वाला। और मैं क्या कर रही हूँ आज, मेरे घर में कुछ हो रहा है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं सब शेयर करती जाऊँगी। और ये देखिए मेरा दुपट्टा वाइट कैसा लग रहा है, तो कॉमेंट में ज़रूर बताइए करके आप लोग। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और मैं आप लोगों के साथ सब शेयर करती जाऊँगी। ये देखिए मम्मी क्या कर रही हैं, आटा गूंद रही, और आज कुछ स्पेशल ये बन रहा है। मम्मी बताओ मम्मी क्या बना रही? अस्सलाम वालेकुम, बेसन के लड्डू बना रहे हैं। बेसन और आटे के लड्डू बना रहे हैं। 10वीं की आज कहानी सुनना है हमको। अच्छा, इसमें ये बेसन और ये लड्डू ये मिक्स किया है। ये जो लड्डू बनेंगे ये रोटी के बनेंगे, और इसमें आटा, आधा आटा और आधा बेसन मिक्स किया है। पहले आटा गूंदा जाएगा नॉर्मली जैसे गूंद लेते हैं, और फिर देखते हैं कि ये लोग कैसे बनाते हैं। तो मैंने तो कभी ये देखा नहीं है, और मुझे तो काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि मेरे सामने ये पहली बार ये बन रहा है। और खाए तो हैं कई जगह, जैसे 10वीं की फाता जो होती है तो लड्डू वगैरह आते हैं, तो मैंने खाए हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। लेकिन मेरे घर में फर्स्ट टाइम बन रहे हैं, तो मैंने सोचा ये क्यों ना मज़ेदार से आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। और ये अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ये सिगड़ी लेके आए हैं हम। आप लोगों के तो गैस ही यूज़ होती है, और सिगड़ी पे अच्छे से बन जाते हैं ये लड्डू जो है, बनते हैं। कैसे बनते हैं मुझे तो पता ही नहीं है, अभी लोग बनाएंगे तो देखते हैं कैसे बनते हैं। और ये अस्सलाम वालेकुम, सिगड़ी लेने गए थे पड़ोस में सिगड़ी लेने के लिए, हमारे घर तो है नहीं है, और हमारे कंधे में भी इतना दर्द हो रहा है पीछे, पता नहीं क्यों 3 दिन हो गया बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है हाथ निकलवा के दूसरा लगवा लो। ये सिगड़ी में बनाई जाएंगी रोटियां, और इसको जो ना यूज़ करते हैं लकड़ी के बुरादे से, तो बहुत ही अच्छी इसमें आग जलती है और इसमें अच्छी रोटियां सिकेंगी। और यहाँ से लकड़ी लगाई जाती है, इसका ये ढक्कन होता है। और अब बस हम लोग करने लगे हैं सफाई, तो रूम की जिस रूम में 10वीं की कहानी सुनी जाएगी, तो हम लोगों ने सोचा चलो सफाई कर लेते हैं। सोफे वगैरह एक साइड खिसका दिए हैं दूसरे रूम में, और बस ये देखिए कौन आ गया। ये आ गए अवान स्कूल से, और इनका रिएक्शन देखते हैं। इनको नहीं पता है कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। अस्सलामुअलैकुम, आ गए बच्चे, जरूर ले आओगे हैं? क्या हो रहा है? क्या हो रहा? पता नहीं क्या हो रहा, अपन लोग घर खाली करके जा रहे हैं। अच्छा सुबह में क्या हो गया? अरे घूमो, सुबह में क्या हुआ? पानी पानी आ रहा है। अमान स्कूल से आती साथ बस चले, डांस सिखाया था सखी मोरी पानी लटके थे, कौन को फूट जाता। चलो गाना सिखाया था उन्होंने, बी गेट है कैरी, कौन सा गाना है वो? शेरी प्रसले गजमन पानी ले। हां हां हां, बावन बावन गज का बावन। जल्दी जल्दी जल्दी, हां हम पकड़े हैं, बोला डांस करो कि आगे मुंह आ गया आगे। हां करो करो, हम पकड़े हैं। दो बावन कवर कमर करो, बावन गज करो करो जल्दी करो, बताओ करके दिखाओ। तैयार हो गए। अवान को अभी तक नहीं पता चला है कि आखिर घर में हो क्या रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड जाने के लिए। बस अब घर की हो रही है क्लीनिंग, सोफे वगैरह सब हटा दिए थे, और अब आगे बताते हैं कि क्या होता है। और ये उसी से मैं दूध उबल गया, मम्मी ने दूध रख दिया था पकने के लिए, और ये देखो कितना सारा दूध ये उबल गया। हेलो लाओ, क्या है ये, कितनी चीज पे चीज खाओगे आप? हैं उसी में निकली। जी बिछ भी गए गद्दे, अद्दे बिछ गए, सब इंतजाम हो रहा है माशाल्लाह। और इस गद्दे पे कवर नहीं है। आओ ये कहाँ लेके आ रहा है, अमन भी काम कर रहे हैं। गद्दों के ऊपर काली मालिश होगी, तिल मालिश, और जिस होके भी उठ जाती है।
देखो 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 है बात कर रही। लो यहाँ पे बात करो, देखो यहाँ बात करो। आ सुन गोदी में आ गई। लो देखो भाई, अरे यहाँ देखो कैमरे में देखो, देखो भाई गद्दे वगैरह बिछ गए हैं और मैंने कहा कि लाओ मैं बेडशीट बिछा देती हूँ। पहले तो मैंने हम लोग सोच रहे थे कि चटाई और कालीन बिछा दें, फिर मम्मी के लिए नहीं गद्दे और बेडशीट बिछा दो तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो बस फिर गद्दे और उसके ऊपर बेडशीट हम लोगों ने बिछा दी है, काफ़ी सही लग रहा है। और अब बारी है बनाने की रोटियाँ और रोटी के लड्डू, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी होने वाली है, बहुत ही शायद ही पहले आप लोगों ने कभी देखी होगी। और तो और एक नई बात यह है कि ये सिगड़ी पे बनेगी और ये अब ये जलाई जा रही है, देखो ये एक बार में जल भी पाती है या नहीं। मेरा ब्लॉग आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नहीं इनने बोली होगी ये बाबा निकले वो कहने लगे बेटा मैं एक मन आ गया हमने काहे के कल जब भी मैं कहानी सुन रहे हैं करिया में तेल डालो बजे करिए जाए पति उठा गया अरे जी भी आना इसमें हां काहे ले के आए हैं गाड़ी में खा रहा हां कुछ नहीं का भाई से तुम्हारे लड्डू बने तो है ही बनवा लेना। ये बताओ नेकलेस ऑर्डर करने हैं? हार 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 का सेट ऑर्डर करने नहीं करने भाई क्यों सोने का कर रहा है देवर वो मना कर दिया गया है सोने नहीं नहीं हमें नहीं आगे जाने पहना रही है सोने के अंगूठे नहीं तुम जो हार के सेट मैं तो मैंने करी मेरे पास जो कुछ है बोल जाऊंगी मैं मैंने पायल लेना मुझसे पायल ले ले पूरी बनाई के पीला का बहुत बढ़िया वो कहने लगी उनके साथ बोले एक तो दे क्या करते इनको शर्म आ रही किनको 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 चच्ची को अच्छा अच्छी हाँ फिर आप क्या करते हमें तो वीडियो में सामने सेट नहीं करते हमें शर्म आती नहीं आती इनको आ रही तुम तो महा बेशरम हो तुम्हें कहाँ शर्म आती जल्दी तेल हो गया क्या सिगड़ी है वाह बहुत टाइम बाद देखी हमने हमारे घर में पुरानी यादें हमारी बड़ी अम्मी के घर में उनके यहाँ खाना बनता है इससे अब तो नए चूचले हो गए गैस चूल्हे आ गए ये भाई मोटी रखना ऐसे सीखती हूँ बस और टुकड़े करो छोटे छोटे मिक्सी में वो क्या कर रही हूँ रेन रेन दादा पास है अच्छा अब बन रही है और ये मोटी मोटी रोटियां बनती हैं। तेल अच्छा काफ़ी गर्म हो गए थे, पहले इनको तेल में सेका जाएगा रोटियों को, काफ़ी मोटी बनती हैं ये और गर्म गर्म ही इनको तोड़ कर इस तरीके से पीस करके इनको हम मिक्सी में चला लेंगे, इनको एकदम रवि जैसा हम सबको लेके जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें पीस लेना है, एकदम थोड़ा मोटा भी नहीं पीसना, एकदम बारीक भी नहीं, और इसकी रवे की जैसे हमें अब देखो ये कढ़ाई में एक साथ दो दो तीन तीन ये सेकेंगे। अब ये हाथ से बेलन से नहीं बेल रही हैं, वहाँ से बना रही हैं, काफ़ी मोटी मोटी रोटियाँ हैं, जल्दी जल्दी बन रही थी। लड्डू जो बन रहे हैं ये 2.5 किलो यानी 1.25 किलो आटा है और 1.25 किलो बेसन, दोनों हाफ हाफ ला दिया। और अब मैं इसमें डालूँगी 1.5 किलो शक्कर डाला है तो मैं तोल रही हूँ, देख लो तुम्हें सही से पकड़ो सही से ज़्यादा तोल दी।
रोटी का मिक्सचर पीस रहा है वो मेरी देवरानी पीस रही हैं, मम्मी बना रही हैं, रुखसर बेल रही हैं, तो मेरा काम मिलाने का था तो बस शक्कर सारी डाल दी है और उसमें ये जितना भी पिस के आता जा रहा है गरम गरम, सो गरम गरम ही मिक्स करते हैं ताकि शक्कर जो होती है मेल्ट हो जाती है। बहुत से लोग उसको हल्का सा पाउडर भी बना लेते हैं लेकिन मम्मी जो है खड़ी डलवाई है और उसको गरम गरम मिक्स करते हैं। फिर इसके बाद इसमें वो डालेंगे डेसिकेटेड पाउडर यानी नारियल का बुरादा, और आप चाहें तो कोई भी अपने पसंद से ड्राई फ्रूट्स बारीक कटे हुए काजू बादाम चिरौंजी वगैरह आप डाल सकते हैं, और लेकिन मैं सिर्फ डाल रही हूँ नारियल का बुरादा, बस यही अच्छा लगता है। आ गई जिन जिनको इन्वाइट किया था मोहल्ले की लेडीज़ आना शुरू हो गई हैं, बैठ रही हैं के करके ब्रश कर लो सीमा वाली जाओ। बस फिर इसके बाद देसी घी को खूब अच्छे से गरम करके हम इसको मिलाएंगे, आप कम ज़्यादा भी मिला सकते हैं और इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी मिक्स कर लेंगे। जितना तुम्हारे हाथ में आ जाए बना, जितने जिसके हाथ में आ जाए ले। बस ये बन रहे हैं और ये काफी बड़े बड़े बनते हैं लड्डू, और ये देखो बस ये लोग बना रही हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम। इनको भी तो दे दो, इनके बच्चे भी हैं दो। कहाँ जाओगे दानिया? अभी किसका घर है सलाम करो। किसका घर है? अच्छा जाओ जी, वहाँ जाने लड्डू। दानियल सुनो, दानियल सलाम करो, ऐसे नहीं पूरा सलाम नहीं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, और तेज सलाम, ऐसे करो हाय गाइस, ऐसे करो, देखो इसमें करो हाय गाइस, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, हाथ जोड़ लो ऐसे, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ के दिखाओ, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ के दिखाओ, प्लीज प्लीज ऐसे जोड़ो। प्लीज छोटे बच्चे की रिक्वेस्ट, हाथ 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 जोड़ो, हाथ हाँ हाँ जोड़ो, बोलो छोटे बच्चे की, छोटे बच्चे की, बच्चे की रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए,
क्या कौन सी है नानी आपकी? वो वाली है। कौन सी वाली? कौन सी? येलो दोनों है, बता कौन सी वाली येलो वाली। कौन सी वाली? बीच वाली। अजी किसकी है? मिलो गुड्डा। ए ये भी एक बीबी है, ये भी एक बीबी है। हाँ कहानी सुनी। नहीं है, नहीं है, नहीं है। माशाल्लाह कितना क्यूट है, कितना प्यारा है, और उसका नाम दानियाल है। आपको बता दें कि वो मेरी बहन की नंद का बेटा, जो मुझसे छोटी मेरी बहन है अभी इस वक्त जो सऊदी अरब में है, उसकी नंद का बेटा है। और बच्चे जो होते हैं मन के सच्चे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। और तो बस उसकी रिक्वेस्ट को आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, बस आप लोग दुआ कीजिए और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी खुशी मिलती है जब वो लाइक बढ़ते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, और जब सब्सक्राइब बढ़ते हैं तो मुझे भी मोटिवेट मैं होती हूँ। और तो बस आप लोगों से यही एक बार और फिर ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे बढ़ावा दीजिए और कमेंट में बताइए कि मैं किस तरीके की वीडियो लाऊँ, आप लोग किस तरीके से पसंद करेंगे। तो मैं मेहनत कर रही हूँ, डेली रूटीन भी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और बस मैं इस ब्लॉग पर यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। तो मिलती हूँ एक और नए और मज़ेदार सी ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक दिन तो भी बनेंगे लड्डू खाए, और इतने रोज होती थी समझ लो तरह से हमारी बताना हमारे।